ड्रामा सीरियल गुरबते में अरीबा का अंजाम जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फारिस ने अरीबा के कहने पर जमल से शादी तो कर ली, लेकिन वो जमल को देखना तक भी गुवारा ना करता था। और जब भी फारिस अरीबा और रूहान को एक साथ देखता तो उसे बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो खामोशी रहता क्योंकि फारिस एक बेहतर वक्त का इंतजार कर रहा था। फारिस के घर वालों को इतना तो पता ही था कि फारिस किसी और लड़की को पसंद करता है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि उसने अरीबा से निकाह भी कर लिया है। फिर एक दिन फारिस रात को बाहर काल पर किसी से बात कर रहा होता है कि अगर जमल मेरी बीवी है तो तुम भी मेरी बीवी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी भी मेरी है। पीछे खड़ी जमल की बात सुनकर हैरान रह गई। जमल अपने कमरे में आकर बेहद रोई और अरीबा को रोते हुए कॉल करके बताया कि वही हुआ जिसका डर था, फारिस मेरी सोतन ले आया है। जबकि अरीबा जमल की बात से परेशान हो गई और अरीबा ने जमल से पूछा कि तुमको इस सब के बारे में कैसे पता है, तो जमल ने बताया फारिस उस लड़की से कॉल पर बात कर रहे थे, मैंने खुद उनकी बातें सुनी है। जमल से बात करके अरीबा ने फारिस को कॉल की और बताया कि जमल ने तुम्हारी बातें सुन ली। इस पर फारिस ने कहा अरीबा ही कब तक हम ये बात छुपा सकेंगे, एक दिन तो सबको पता चल ही जाना है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी आने वाले वक्त के लिए तैयार रहो, हमें एक होने के लिए भी बहुत सी मुसीबतें झेलनी हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर्नल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर इस ड्रामा से रिलेटेड आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मजीद आप देखेंगे कि आखिर कब तक अरीबा अपने धोखे का खेल खेल सकती थी। फारिस जमल को साथ लेकर डिनर के लिए जाता है कि जमल ने कहा रूहान तो किसी काम के सिलसिले में गया है, अरीबा अकेली यूनिवर्सिटी होगी, हम उसको भी साथ ले लेते हैं। फारिस ने जल्दी से हाँ में जवाब दिया क्योंकि वो खुद काफी दिन से अरीबा से नहीं मिला था। इस तरह ये तीनों डिनर के लिए गए कि वहाँ पहुँच कर जमल को किसी की कॉल आई। जब वो सुनने के लिए उनके पास से उठकर एक तरफ गई तो फारिस ने जल्दी से अरीबा को कहा कि तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है, इतने दिनों से तुमने मुझे कॉल भी नहीं की। अरीबा ने गुस्से से कोई जवाब ना दिया। फारिस अरीबा का हाथ पकड़ कर प्यार से बोला मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें अभी तक बीवी का हक नहीं दे सका, लेकिन बस मैं एक दफा मोम डैड का एतमाद हासिल कर लूं, फिर मैं जमल को तलाक देकर तुम्हें अपने घर ले आऊंगा और हम एक पुरसकून लाइफ गुजारेंगे। जबकि पीछे से आती जमल ने जब इनकी बातें सुनी तो वो बेहोश होकर गिर गई। फारिस ने जल्दी से जमल को जमीन से उठाया और हॉस्पिटल लेकर गया, जहाँ पर इतने बड़े सदमे की वजह से जमल को होश तो आ गया, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। जब जमल की तबीयत ठीक हुई तो फारिस की अम्मी उसे घर ले आई। घर आकर फारिस ने खुद ही जमल को सच बता दिया कि अरीबा और मैंने तुमसे शादी करने से पहले निकाह कर लिया था, मेरे डैड ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई थी। जमल ने कुछ न कहा। जब फारिस अपनी कहानी सुनाकर चला गया तो जमल अपने कमरे में फूट फूट कर रो दी और अपना जरूरी सामान लेकर अपनी अम्मी के घर आ गई। जमल ने आकर तमाम सच रूहान को बताया। रूहान ने अपनी अम्मी से कहा मैं अब अरीबा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, वो एक धोखेबाज लड़की है। जमल की अम्मी को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने मंगनी की अंगूठी अरीबा की अम्मी को देकर बताया कि आपकी बेटी का जमल ने अपनी बहनों से बढ़कर किया, लेकिन उसने सांप बनकर उसकी खुशियों और उसके घर को डस लिया, हमें अब आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। दूसरी तरफ फारिस के घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। अरीबा की अम्मी ने अरीबा से कहा अगर शादी कर ली है तो फारिस के साथ उसके घर में ही रहो। फारिस अरीबा को एक छोटे से घर में ले आया। कुछ ही दिन गुजरने पर उन दोनों के पास खाने तक के लिए पैसे ना थे। अरीबा ने फारिस को गुस्से से कहा क्या फायदा हुआ तुमसे शादी करने का, मुझे तो वैसे ही गुर्बत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। फारिस ने कहा तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, पैसों के लिए मुझसे शादी की थी। इस पर अरीबा ने कहा हाँ फारिस, क्योंकि मैं अपने हवा पूरे करना चाहती थी और तुमने वो सब तोड़ दिए। फिर एक महीने में ही अरीबा का लालच फारिस के सामने आ गया। फारिस को खुद पर बहुत गुस्सा आया कि एक खुदगर्ज लड़की के लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। फारिस ने अरीबा को तलाक दे दी और अपने मोम डैड से माफी मांगी और जमल से भी माफी मांगी। जमल ने फारिस को माफ कर दिया क्योंकि फारिस मुकम्मल तौर पर बदल चुका था, जबकि रूहान भी अमेरिका जाकर वहाँ पर सेटल हो गया क्योंकि यहाँ रहकर अरीबा के धोखे को भूलना मुश्किल था। दूसरी तरफ सादिया की शादी हुरम से हो गई, जो एक कामयाब बिजनेसमैन बनकर लौटा था। सबको अपनी लाइफ में खुश देखकर अरीबा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कितना बुरा कर रही थी। अरीबा अपनी गलतियां सोच सोच कर पागल हो गई। फिर एक दिन अरीबा ने सच से भागने के लिए जमल से माफी मांगी। जमल ने अरीबा की हालत देखकर उसे माफ कर दिया। जमल की माफी के बाद अरीबा खुद को और ज्यादा कसूरवार समझने लगी कि इतने मुखलिस दोस्त को उसने धोखा दिया। अरीबा ने पंखे के साथ लटक कर खुदकुशी कर ली और यूं अरीबा के धोखे का अंजाम बहुत बुरा हुआ। तो फ्रेंड्स, के अरीबा का अंजाम यही होना चाहिए था या इससे भी बुरा, अपनी राय में कमेंट से बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।